अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू एमी फाउंडेशन स्कूल। आज हम मैथमेटिक्स बुक 4 न्यू गेट अहेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से नंबर्स ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। टुडे वी विल डिस्कस 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्रॉम यूनिट 2 नंबर्स ऑपरेशन। What is arithmetic operation? Arithmetic is a branch of mathematics that involves the study of numbers and numbers operation. Arithmetic एक branch है mathematics की, जिसमें हम numbers की और numbers operation की study करते हैं। It basically comprises of operations such as addition, subtraction, multiplication and division. इसमें four operation पढ़ेंगे हम, addition, subtraction and multiplication, division. Here your weekly homework assignment 7, unit 2, numbers operation. Page number 11 पे exercise 2 and 3 करेंगे, जिसमें हमें addition दी गई है 6 digit numbers की. Page number 13 में exercise 2 and 3 करेंगे copy में, जिसमें हमें subtraction दी गई है 6 digit numbers की. Page number 14 in book, page number 14 book में करना है, 3 digit numbers की multiplication है. पेज नंबर 15 एक्सरसाइज 1 इन बुक, ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पेज नंबर 15 एक्सरसाइज 2 इन कॉपी, इसमें आपको डबल डिजिट नंबर्स दिए गए हैं जिन्हें आपने 10 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। पेज नंबर 26-27 एक्सरसाइज 1 एंड 2 इन कॉपी, पेज नंबर 26 और 27 में डिवीजन के सम्स हैं विद रिमाइंडर एंड विदाउट रिमाइंडर, जो आपको बुक में करने हैं। एंड पेज नंबर 27 एक्सरसाइज 3 इन कॉपी, एक्सरसाइज 3 में 3 डिजिट नंबर्स की डिवीजन है जो आपको कॉपी में करना है। नाउ ओपन बुक पेज नंबर 11, एक्सरसाइज 2 एंड 3 हम इसमें करेंगे। एक्सरसाइज 2, एड द फॉलोइंग नंबर्स, 5 सम्स दिए गए हैं, इन दोनों नंबर्स को आपने प्लस करना है। राइट द नंबर, 6 सम्स दिए गए हैं, ये 6 सम्स हमें करने हैं। कॉपी में एक काम डेट और डे लिख कर का पेज नंबर लिखेंगे, बुक का पेज नंबर लिखेंगे, उसके बाद एट द फॉलोइंग नंबर्स, आपने इन नंबर्स को प्लस करना है। तो आप इस तरह सम्स करेंगे, पहले आपने सम्स उतारा, ये 6 डिजिट नंबर है, आपने ये उतारा, और दूसरा भी 6 डिजिट नंबर है, आपने इसी के नीचे से ये उतारना शुरू कर दिया। अब हम इसे प्लस करेंगे, 9 प्लस 8 17, 7 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 9 10, 0 नीचे 1 ऊपर कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 8 प्लस 8 16, 6 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3। इसी तरह नीचे वाला सम्स भी प्लस करेंगे, 0 प्लस 9 9, 2 प्लस 0 2, 0 से कोई भी नंबर प्लस होगा तो आंसर वही नंबर आएगा, 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 0 5, 0 प्लस 1 1, 6 प्लस 7 13, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये था बुक पेज नंबर 11, बाकी के इसके जो 3 सम्स रह गए हैं वो आप लोग खुद करेंगे। बुक पेज नंबर 11, एक्सरसाइज 3, राइट द नंबर 5000 मोर देन 5,43,810। बड़ा नंबर 6 डिजिट नंबर, बड़ा नंबर है तो इसको पहले ऊपर लिखेंगे और 5000 नीचे लिखेंगे। आप अगर 5000 ऊपर लिखें और 6 डिजिट नंबर नीचे लिखें तब भी आपका आंसर सही आए, 0 1 8 8 4 और 5 एज इट इज़, ठीक है। अब नीचे आइए, सेकेंड क्वेश्चन, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 2 11, 1 नीचे 1 ऊपर, 1 प्लस 3 4 और 3 एज इट इज़, ये हमारा बाकी के 4 सम्स आप लोग खुद कीजिएगा। नाउ ओपन बुक पेज नंबर 13, सबट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स, 6 डिजिट नंबर्स दिए गए हैं, उन्हें सबट्रैक्ट करना है। एक्सरसाइज 3, फाइंड द डिफरेंस, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, यानी इनको भी इन दोनों के दरमियान कितना फ़र्क है वो निकालेंगे, यानी इन्हें भी हम माइनस करेंगे। कॉपी में ये काम करेंगे, डेट डे लिख के पेज नंबर डाला। एक्सरसाइज 2, सेपरेट द फॉलोइंग नंबर, सवाल उतारा, 1,12,390 फ्रॉम 4,02,655। बड़ा नंबर कौन सा है? 4,02,000। तो हम पहले 4 लाख
2655 लिखेंगे और फिर सेकंड नंबर लिखेंगे। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 0 गए 5 बचा, 5 में से 9 गए 5 छोटा नंबर है 9 बड़ा नंबर है, ये नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते, तो हम क्या करेंगे बोरो लेंगे। 6 ने 1 5 को दिया, खुद क्या हो गया 5, 15 में से 9 गए तो ये हो गया 6, 5 में से 3 गए 2, 2 में से 2 गए 0, 0 में से 1 नहीं जाएंगे तो हम बोरो लेंगे। 4 ने 0 को 1 दिया और खुद 3 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 2 सेकेंड 2,3455 फ्रॉम 6,991। 1 में से 5 नहीं जा सकता, बोरो लेंगे। 11 में से 5 गया 6, 8 में से 5 गया 3 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, 0 में से कोई भी नंबर नहीं जा सकता तो हम बोरो लेंगे। यहाँ भी 0 इससे बोरो नहीं ले सकते तो 6 से बोरो। 6 ने 1 इसे दिया, खुद 5 हो गया, 10 1 इसे देगा खुद 9 हो जाएगा, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 0 गए 9, 5 में से 2 गए 3। 13 एक्सरसाइज 3, फाइंड द डिफरेंस, यानी इन दोनों के दरमियान फर्क मालूम करना है। बड़ा नंबर 5 लाख है, छोटा नंबर 3 लाख है। बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, 5,29,102, 3,13,148। अब आपने 2 में से 8 निकालना है, 2 में से 8 नहीं जाएगा तो हम बोरो लेंगे। ये 10 इसको 1 देगा तो खुद 9 हो जाएगा, 12 में से 8 गए 4 बचा, 9 में से 4 गए 5 बचा, 0 में से 1 नहीं जा सकता दोबारा बोरो लेंगे, 10 में से 1 गए 9 बचा, 8 में से 3 गए 5 बचा, 2 में से 1 गए 1 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचा। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1,30,456 एंड 5,43,235, बड़ा कौन सा है 5 लाख, तो 5 लाख पहले ऊपर लिखेंगे, 1,30,456 नीचे, 5 में से 6 नहीं जा सकता बोरो ले, 3 ने 1 इसको दिया खुद 2 हो गया, 15 में से 6 9, 2 में से 5 नहीं जा सकता बोरो लेंगे, 2 ने 1 उसको दिया खुद 1 हो गया, 12 में से 5 7, 1 में से 4 नहीं जाएंगे फिर बोरो लेंगे, 11 में से 4 7, 2 में से 0 2, 4 में से 3 1, 5 में से 1 4। ये हमारा सम्स कंप्लीट हो गया, इसके बाकी के 4 सम्स भी आपने बिल्कुल इसी तरह कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टास्क पेज नंबर 40 मल्टीप्लाई। यहाँ आपको 15 सम्स दिए गए हैं मल्टीप्लाई के, ये आपको सॉल्व करने हैं। पहला सॉल्व हुआ है, सेकंड हम सॉल्व करते हैं। 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12। एक और सॉल्व करते हैं, 3 फोर ज़ा 12, डबल डिजिट नंबर आ गए 1 to 12, तो हम क्या करेंगे 2 नीचे लिखेंगे 1 ऊपर कैरी जाए। 3 2 ज़ा 6, अब ये 1 जो कैरी किया था वो इसमें ऐड करेंगे, 3 2 ज़ा 6 1 plus 7, 3 3 ज़ा 9, ये देखिए 3 4 ज़ा 12, 2 नीचे 1 ऊपर कैरी किया, 3 3 ज़ा 9 1 plus 10, 1 ऊपर कैरी किया, 3 5 ज़ा 15 1 plus 16। एक और सम्स देखिए, 4 3 ज़ा 12, 2 नीचे 1 ऊपर कैरी, 4 5 ज़ा 20 1 plus 20, 4 4 ज़ा 16 2 plus 18। एक और देखिए, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 6 नीचे 1 ऊपर कैरी, 2,568 आंसर। बाकी के 9 सम्स आप लोग खुद भी बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा। अब पेज नंबर 15 पे आइए। पेज नंबर 15 में हमें 2 एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज 1 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ आपने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। एक्सरसाइज 2 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10, ये आपको 2 डिजिट नंबर दिए गए हैं 8, इनको 10 से मल्टीप्लाई करना है और ये काम हम कॉपी में करेंगे। ऊपर वाली एक्सरसाइज पे आइए, क्या है 8 10 ज़ा 80, 7 10 ज़ा 70, 13 10 ज़ा 130, 18 10 ज़ा 180। बिल्कुल इसी तरह ये 4 ब्लैंक्स भी आपने सॉल्व करनी है। ओके, अब एक्सरसाइज 2 पे आते हैं।
जो हमें कॉपी में करनी। पेज नंबर 15 एक्सरसाइज 2 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय 10। तमाम नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या आता है? 0। 05 ज़ा 0, 02 ज़ा 0। राइट साइड से जो हमारा फर्स्ट नंबर है उसके नीचे हम क्रॉस लगाएंगे। अब आगे करेंगे 15 ज़ा 5, 12 ज़ा 2। अब इन्हें प्लस करना है हमें 0 एज इट इज़। 0 प्लस 5 5 और 2, हमारा आंसर क्या आया? 250। इसी तरह अगला सब देखिए 02 ज़ा 0, 02 ज़ा 0। राइट साइड से फर्स्ट नंबर की तरफ 12 ज़ा 2, 12 ज़ा 2 प्लस करेंगे 2 0 2, 0 प्लस 2 2। बाकी सम्स पे बिल्कुल इसी तरह सॉल्व किए जाएं। एक पेज पे आपके चार सम्स इजीली आ जाएंगे, ध्यान से काम की। अब आइए पेज नंबर 26 में हमें मल्टीप्लिकेशन चार्ट गिवन है। इस मल्टीप्लिकेशन चार्ट में 11 से लेके 19 तक टेबल दिए गए हैं। उन टेबल्स के ज़रिए आप नीचे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 है, यूज़ द अबव चार्ट टू फाइंड द आंसर्स ऑफ। आपने इन तमाम के आंसर निकालने ये चार्ट यूज़ करके, ठीक है। अब है 66 डिवाइडेड बाई 11। 11 के टेबल में 66 आता है कब? 6 से, तो 6 हमारा आंसर आ। 72 डिवाइडेड बाई 12। 12 के टेबल में 72 देखेंगे कब आ रहा है? 6 से, तो 6 आपका आंसर। 104 डिवाइडेड बाई 13। 13 के टेबल में 104 कब आ रहा है? 8 से, तो 8। 105 डिवाइडेड बाई 15। 15 के टेबल में 105 कब आता है? 7 से, तो 7 आपका आंसर। 144 डिवाइडेड बाई 16। 16 के टेबल में 144 ये रहा, कब आ रहा है? 9 से, तो 9 आपका आंसर। 68 डिवाइडेड बाई 17। 68 कब आ रहा है? 4 से, 4 आपका आंसर, ठीक है। यही एक्सरसाइज आपने यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करनी है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 2 है, कंप्लीट दिस एंड राइट द रिमाइंडर। आपने यहाँ इनको कंप्लीट करना है और साथ रिमाइंडर भी लिखना है। यूज़ द मल्टीप्लिकेशन चार्ट, पेज नंबर 26 पे ये मल्टीप्लिकेशन चार्ट है, आपने इसी से हेल्प लेनी है। फर्स्ट है 35 डिवाइडेड बाई 11। अब 11 के टेबल में हमने देखा 35 तो नहीं आता, 35 से छोटा क्या आ रहा है? 33। 33 3 से आता है और रिमाइंडर माइनस करने से 35 और 33 को 2 आ। अब 49 डिवाइडेड बाई 12। 12 का टेबल 49 नहीं आता 12 के टेबल में, मगर 48 आता है। 48 किस से आ रहा है? 4 से। 48 4 से आ रहा है। यहाँ क्या है? 49। 48 और 49 को माइनस करेंगे तो और रिमाइंडर क्या आया हमारे पास? 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 45 डिवाइडेड बाई 13। 13 के टेबल में 45 देखना है, 45 नहीं आता, 45 से छोटा क्या आ रहा है? 39। 39 किस से आ रहा है? 3 से। अब 45 में से हम 39 माइनस करेंगे, 45 में से 39 माइनस किए, 45, 44, 43, 42, 41, 40, ये कितना हो गया? 6। रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 6, ठीक है। अब 13 के टेबल में आपने क्या देखना है? 106। 106 नहीं आता, 106 से छोटा क्या आ रहा है? 104। 104 किस से आता है? 8 से। 8 से आया 104। रिमाइंडर क्या बचा? 106 में से 104 निकाले तो क्या आया रिमाइंडर? 2। 13 के टेबल में 108 नहीं आता, 105 आता। 105 किस से आ रहा है? 7 से। 108 में से 105 निकाले तो क्या बचा? 3 रिमाइंडर। बाकी सम्स भी आप लोग इसी तरह करेंगे। अब नीचे दूसरी एक्सरसाइज पे आइए, इसमें क्या है? डिवाइड। ये जितने भी सम्स आपको दिए गए हैं आपने इन्हें डिवाइड करके आंसर लें। वी कैन यूज़ द अबव चार्ट टू सॉल्व इट। फर्स्ट सम है आपका 740 12 से। 12 के टेबल में आपने 74 ढूंढना है। ये आपके पास चार्ट गिवन है। अब आप 12 के टेबल में 74 ढूंढिए। 74 नहीं आता,
72 है, 72 के बाद 84 है, 84 बड़ा है, 72 छोटा है, तो हम 72 लेंगे। 72 किससे आता है, 6 से, 12 सिक्स 72, 4 में से 2 गए, 2 बचा, 7 में से 7 गए, कुछ भी नहीं बचा। अब आप ये 4 नीचे उतारिए, 24 हो गया। अब 12 के टेबल में आपने 24 ढूंढना है, 24 आता है, बिल्कुल आता है, किससे आ रहा है, 2 से, 12 टू ज़ा 24, माइनस किया, कुछ भी नहीं बचा, 4 में से 4 0, 2 में से 2 0, आंसर 62, और रिमाइंडर क्या बचा, 0, ठीक है। 732 को 16 से डिवाइड करना है, 16 का टेबल देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, 73 16 के टेबल में नहीं आता, 64 आता है, 64 के बाद 80 आता है, तो हम क्या लेंगे, 64, क्योंकि 73 से 80 बड़ा है तो 64 छोटा है, 64 आ रहा है 4 से, तो 64 सा 64, माइनस करेंगे, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो लेंगे, 13 में से 4 9, 6 में से 6 कुछ भी नहीं, ये 2 नीचे उतारेंगे, 92। अब 16 के टेबल में हमने 92 ढूंढना है, 92 तो नहीं आता, 96 आता है, 96 बड़ा है तो 96 से छोटा क्या लेंगे, 80, 80 किससे आ रहा है, 5 से, 16 5 सा 80, माइनस किया, 2 में से 0 2, 9 में से 8 1, ये क्या है हमारा रिमाइंडर। अब आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया 45, रिमाइंडर क्या आया 12। बाकी के सम्स भी आप लोग बिल्कुल इसी तरह करेंगे और एक पेज पे 2 सम्स करेंगे, ठीक है। ये आपके कितने सम्स हैं, ये आपके पास 10 सम्स हैं, 2 एक पेज पे 2 सम्स करेंगे तो 5 पेजेस का आपका ये काम। अब हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है, असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद आप लोग अपनी कॉपी में इंडेक्स पेज कंप्लीट करेंगे, ये आपका प्रीवियस इंडेक्स पेज है। सीरियल नंबर 18 से आपका आज के काम का इंडेक्स शुरू हुआ, यूनिट 2 नंबर्स ऑपरेशन, पेज नंबर 11, पेज नंबर 13 आपने कॉपी में किया। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 27, यहाँ आप लोगों का इंडेक्स कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स को काम समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, फी अमान है।